गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ लिया था, क्लास क्रस्टेशिया को पढ़ लिया था। क्लास क्रस्टेशिया को पढ़ लिए थे हम लोग। उपसंग पढ़ रहे थे। पहले तो हमने उपसंग पढ़ा था, मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा, ठीक है ना। उपसंग पढ़ा था हमने मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा को हमने हमने आगे की तरफ डिवाइड किया था छः क्लासों के अंदर। किसके अंदर? छः क्लासों के अंदर हमने डिवाइड किया था। इस पर फर्स्ट क्लास थी क्रस्टेशिया, सेकंड क्लास थी डेवलोपोडा, थर्ड क्लास थी कीलोपोडा, फोर्थ थी पोरोपोडा, नेक्स्ट फिफ्थ थी सिम्फाइला, देन इंसेक्टा क्लास थी, देन इंसेक्टा क्लास थी, ठीक है ना। यदि बात की जाए क्लास क्रस्टेशिया की, यदि बात की जाए क्लास क्रस्टेशिया की, ठीक है ना। क्रस्टेशिया में हमने बात की थी कि जो जीव का शरीर होगा, किसी भी एनिमल की बॉडी होगी, जो एनिमल बॉडी या जीव का शरीर होगा, ये क्या होगा? दो भागों में बटा हुआ होगा। इसमें जो सेकंड पोर्शन हम लोग बांटते हैं हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। हेड और थोरेक्स क्या होता है? एक साथ मिल जाते हैं, जिससे एक नई स्ट्रक्चर या नए भाग का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शिरोवक्ष, सिफेलो थोरेक्स, ठीक है ना। सेकंड होता है एब्डोमन। नेक्स्ट हमने बात की, इसमें जो एक्सोस्केलेटन होगा, भारी कंकाल होगा, थोड़ा कठोर पाया जाएगा, पैक्टिन द्वारा निर्मित होगा। पैक्टिन की यदि बात की जाए तो पैक्टिन होता है लिपिड से, लिपिड कह सकते हैं या फिर फैटी एसिड्स बोल सकते हैं, वसीय अम्लों से बना हुआ तत्व होता है। क्रस्टेशिया के मुख्य जंतु कहाँ पाए जाएंगे? पानी में पाए जाते हैं, इसलिए श्वसन की जो क्रिया होगी गिल्स के द्वारा, गिल्स या क्लोम जैसे कि फिशेज में होती है, इस प्रकार से होगी, या स्किन से हो सकती है, त्वचा द्वारा जब भी कोई क्रिया होगी तो वो होगी विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा, जिसमें कोई भी तत्व, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी तत्व, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी गैस उसकी हाई कंसंट्रेशन से, उच्च सांद्रता से उसकी निम्न सांद्रता की हो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, हाई कंसंट्रेशन टू लॉस कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगी? मूव करेगी, मूवमेंट शो करेगी, ठीक है। नर और मादा जंतु की यदि बात की जाए तो अलग अलग पाए जाएंगे। नर और मादा जंतु तो क्या होंगे? अलग अलग पाए जाएंगे, जिसमें सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन, मतलब मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, अलग अलग ही दोनों की पहचान हो, ठीक है। परिवर्धन की यदि बात की जाए तो परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है और लार्वा की सहायता से होगा। इसमें हम कह सकते हैं एग होगा, एग के बाद में लार्वा हो, लार्वा के बाद में प्यूपा स्टेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अकॉर्डिंग टू एनिमल जीव के अनुसार, किसी भी जंतु के अनुसार, ठीक है। फिर चेंज हो जाएगा किसमें? वयस्क में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल की बात की डेफनिया और साइप्रस, झींगा, प्रॉन वगैरह, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेकंड हम आज क्लास देख रहे हैं सेकेंड यदि क्लास की बात की जाए तो सेकेंड क्लास होती है डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा की बात करेंगे। यदि डिप्लोपोडा की यदि बात की जाए, डिप्लोपोडा की यदि बात की जाए तो डिप्लोपोडा में क्या होगा? इनके जीवों का शरीर, इनके जो एनिमल्स पाए जाएंगे इसमें, जैसे कि जूलस वगैरह, सेंटीपीड्स की जिसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। शरीर क्या होगा? लंबा होगा, साथ ही साथ शेप की यदि बात की जाए तो बेलनाकार होगा और वर्म लाइक, लंबा होगा और कृमि के समान पाया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं डिप्लोपोडा के जीवों का शरीर लंबा
बेलनाकार वह, बेलनाकार वह कृमि समान वह कृमि समान होगा, ठीक है ना, कृमि समान होता है। ठीक है, यदि बॉडी की बात की जाए तो बॉडी को हम लोग तीन भागों में सिर वक्ष और उदर में विभक्त करते, डिवाइड करते, शरीर सिर हेड, वक्ष थोरेक्स व उदर एब्डोमेन में विभक्त, डिवाइड डिवाइड पाया जाता है। सिर वक्ष और उदर में क्या होगा, डिवाइड पाया जाएगा। जिसमें सिर की यदि बात की जाए तो सिर होगा पांच खंडों से बना हुआ, वक्ष थोरेक्स वाला जो रीजन होगा ये चार खंडों से मिलके बना हुआ होगा, और जो एब्डोमन होगा उदर होगा ये 120 से लेकर 100 से खंडों तक बना हुआ हो सकता है। सिर पांच खंडों से निर्मित निर्मित, वक्ष चार खंडों से निर्मित, चार खंडों से निर्मित तथा उदर, बीस से 100 खंडों द्वारा बना होता है। 100 खंडों द्वारा बना हुआ होगा, ठीक है ना। सिर क्या होगा और उधर क्या होगा, एब्डोमेन वाला रीजन 20 से 100 खंडों तक बना हुआ होगा। सिर की यदि बात की जाए तो सिर पे क्या पाए जाएंगे, एक जोड़ी श्रृंगिका है एंटीनास पाए जाएंगे, एक जोड़ी मैंडिबल्स होंगे और एक जोड़ी मैक्सिलास पाए जाएंगे। अपर लिप और लोअर लिप दोनों एक एक पेयर के रूप में होंगे। सिर में एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी मैंडिबल, वे एक वन पेयर्स ऑफ एंटीनास, वन पेयर्स ऑफ मैंडिबल्स एंड वन पेयर ऑफ मैक्सिलास आर प्रेजेंट। एक जोड़ी मैंडिबल व एक जोड़ी जंभीकाएं बोलते हैं मैक्सिला। जंभीकाएं पाई जाती हैं, जंभीकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। वक्ष की यदि बात की जाए, थोरेक्स वाले रीजन की यदि बात की जाए तो प्रत्येक वक्ष में चार खंड होते हैं, ठीक है ना। वक्ष में कितने, चार खंड होते हैं, और प्रत्येक खंड की यदि बात की जाए तो एक जोड़ी, एक पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ लेग्स क्या होंगे इसमें पाए जाएंगे। यही वहीं उदर की यदि बात की जाए तो उदर में होते हैं 20 से लेकर 100 खंड तक हो सकते हैं, ठीक है ना। उदर के प्रत्येक खंड से दो जोड़ी मतलब चार टांगे निकलेंगी प्रत्येक खंड से। थोरेक्स में एक दो दो टांगे या कह सकते हैं एक जोड़ी निकलेंगी। वक्ष के प्रत्येक खंड में वृक्ष के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे, तथा उधर के प्रत्येक खंड में दो जोड़ी टांगे पाई जाती है। उधर के प्रत्येक खंड में क्या होंगी, दो जोड़ी टांगे पाई जाएंगी, दो जोड़ी टांगे पाई जाएंगी।
यदि बात की जाए इनके आवास की, तो ये क्या होगा, नम और स्थलीय आवासों में पाए जाएंगे। नम या मॉइस्ट कंडीशन में जो हैबिटेट्स होते हैं इनमें पाए जाएंगे। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर सकते थे, एग्जाम्पल की हम लोग बात कर सकते थे, जैसे कि जूलस, जूलस ठीक है ना, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीपीड्स भी बोलते हैं, मिलीपीड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इसके अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था। प्लेटीडेस्मस भी हो सकता था, पॉलीजेनस भी हो सकता था, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पे आता है क्लास डिप्लोपोडा के बाद में, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास क्लास काइलोपोडा, क्लास काइलोपोडा, क्लास काइलो पोडा। शरीर की यदि बात की जाए तो शरीर क्या होगा इनका, लंबा होगा, बेलनाकार पाया जाएगा। लगभग लगभग जो करेक्टर्स होंगे वो इसी के तरह होंगे, जूलस की तरह या सेंटीपीड की तरह ही होंगे। शरीर लंबा होगा, बेलनाकार, हो सकता है क्रमी समान होगा, ठीक है ना। लेकिन डोर्सोवेंट्रली ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर कैसा होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, चपटा होता जाएगा। बस एक ये जो मेन डिफरेंस है वो यही है इनके बीच में। हमने ये बात की, शरीर दोनों का लंबा था, दोनों का लंबा था, बेलनाकार था, सिलेंड्रिकल फॉर्म में था और वर्म लाइक था। लेकिन ये जो काइलोपोडा के जो जंतु हैं इनमें डोर्सोवेंट्रली, डोर्सोवेंट्रली ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ शरीर क्या होता जाएगा, बिल्कुल चपटा होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, ठीक है ना। इनका शरीर लंबा, इनका शरीर लंबा, बेलनाकार, बेलनाकार, क्रमी समान, क्रमी समान तथा पृष्ठ से प्रतिपस, डोर्सोवेंट्रली, प्रतिपस डोर्सो वेंट्रली चपटा होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक मुख्य लक्षण है इसका। क्या होगा, सिर में एक जोड़ी, सिर में एक जोड़ी मैंडिबल, सॉरी एंटीना, एक जोड़ी मैंडिबल्स व एक जोड़ी मैक्सिलाज पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिर में क्या पाए जाएंगे, एक जोड़ी मैंडिबल, एक जोड़ी एंटीना और एक जोड़ी मैक्सिलाज पाए जाएंगे। धड़ का जो प्रत्येक खंड है, थोरेक्स का जो प्रत्येक खंड है, उसमें क्या होगी, एक जोड़ी टांगे पाई जाएंगी। श्वसन की यदि बात की जाए, श्वसन होगा ट्रैकिया के द्वारा, श्वसन श्वास नलिका, श्वास नलिका ट्रैकिया के द्वारा, पाया जाता है। श्वसन क्या होगा, ट्रेकिया के द्वारा पाया जाएगा। उत्सर्जन की यदि बात की जाए, एक्सक्रीशन की यदि बात की जाए, तो एक्सक्रीशन होगा मेल्पिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा। उत्सर्जन एक या दो जोड़ी मेल्पिगी नलिकाओं द्वारा, पिगी नलिकाओं द्वारा होता है, मेल्पिगन ट्यूबुल द्वारा होगा। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, तो स्क्रूटी जरा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटीपीड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्क्रूटी जेरा,
स्क्रूटी, जेरा, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीपीड्स या शतपादी। शत का मतलब होता है 100। सेंटीपीड्स, ठीक है। और यदि एग्जांपल की बात कर सकते हैं तो स्कोलोपेंड्रा की बात कर सकते हैं। स्कोलोपेंड्रा के स्कोलोपेंड्रा की हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ तक काइलोपोडा तक पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतने, धन्यवाद।